हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरी सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वीडियो होगा फास्ट, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, आंसर देखते जाइएगा, आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन। एग्जाम के लिए समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोग ऑलरेडी सब पढ़ाई कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हमारे शरीर में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो यह होता है अमोनिया नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पाइरुविक अम्ल का निर्माण कब होता है? तो पाइरुविक अम्ल का निर्माण ग्लाइकोलिसिस से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है फोर्थ नंबर। ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें क्रेब्स चक्र रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20 दांत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये छोटी आंत से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेवंथ नंबर है, निम्न में कौन स्वाद में मीठी किंतु वह शर्करा नहीं है? तो यह स्टार्च रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आंत्र की दीवार में कोशिकाओं से सिक्रेटिन का स्राव किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो यह जो प्रेरित होता है कोलिस्टोकाइनिन से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मानव की छोटी आंत में कौन सा एंजाइम सीधे भोजन पर कार्य नहीं करता है? तो कौन सा एंजाइम सीधे भोजन पर कार्य नहीं करता है? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा एंटीरोकाइनेस के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं वैक्स थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 11th नंबर, हड्डी का एक से ज्यादा जगह से टूटना क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साधारण फ्रैक्चर नहीं होगा, कुछ बुक्स में ए ऑप्शन भी दिया हुआ है, मल्टीपल फ्रैक्चर से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 12th नंबर है, हड्डी टूटने के पश्चात शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को क्षत पहुंचने से संभावित फ्रैक्चर क्या कहलाता है? तो ये जटिल अस्थि भ्रंश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको क्रायोथेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन से पहले ज्यादा रक्तस्राव ना हो उसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ये होता है विटामिन के से रिलेट करेगा। वीडियो फास्ट है, बस आप लोग देखते जाइएगा, आंसर देखिएगा, आपके माइंड में फिट हो जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए समय कम बचा, तो आपके लिए समय बहुत बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवीजन कर लेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, डोपिंग के अंतर्गत मानव शरीर के किस चीज का परीक्षण किया जाता है? तो यह परीक्षण किया जाता है मूत्र का, बी ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चोट ग्रस्त भाग को ठंडे व गर्म पानी द्वारा उपचार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कंट्रास्ट बाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। फर्स्ट एड शब्द को सबसे पहले इंग्लैंड में कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हड्डी टूटने व चटकने को क्या कहते हैं? इसको क्या बोला जाता है? तो यह फ्रैक्चर बोला जाता है, बी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है, उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड थेरेपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 20 नंबर है, किस उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो इसको वैक्स थेरेपी बोलते हैं। गेम्स से रिलेटेड भी फास्ट वीडियोस का लिंक आपको दिया जा चुका है, आप लोग उसका भी रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियोस 15 मिनट 20 मिनट के ही वहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है,
कार रेसिंग की गाड़ियों के ब्रेक में किस सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये बर्नौली के प्रमेय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ में कंफ्यूजिंग भी है। तो ये होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा, ए ऑप्शन जो चार विकल्प दिए हैं उसमें से सही हो जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दूसरा भी आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान कम होता है और एक ध्रुवों से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो यहां पे हो जाएगा पृथ्वी के ऊपर जाने पर कम होता है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर पर मूव करते हैं, संतुलित बल कहते हैं, तो संतुलित बल होता है परिणामों जो बलों का परिणामी बल होता है जब शून्य होता है उसको संतुलित बल कहते हैं, यहां पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमने वाले आकाशीय पिंड हैं, ये सभी हैं, पृथ्वी भी है, मंगल भी है, बृहस्पति भी है, राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, मानव शरीर की को अच्छों में विभाजित किया गया है, तो ये आपका 3 से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, शरीर को कितने तल में विभाजित किया गया है, इसका आंसर भी बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 28 नंबर, महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रसिद्ध हैं, तो ये जड़त्व के नियम के कारण प्रसिद्ध हैं, ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्डिनल पॉइंट को शरीर का क्या बोला जाता है, गुरुत्व मध्य बिंदु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही आकार के लोहे के गोले और फुटबॉल में जड़त्व अधिक है, तो ये लोहे के गोले का होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, खेल प्रशिक्षक खिलाड़ियों का परिचय कराता है, तो यह परिचय कराता है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 33, तैराक तैरते समय पानी को पीछे धकेलता है क्यों, तो यह परिणाम स्वरूप आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, हृदय पेशियां कार्य करती हैं तो ये जीवन पर्यंत कार्य करती हैं। 35 दिया हुआ, गति विज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र बताना है, बताइएगा आंसर क्या होता है, एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर पार्ट्स ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो राइटर हैं यहां पे अरस्तु महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, टोटल 250 प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा आंसर आपको याद हो जाएंगे। किन्सियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की बात की गई है, ग्रीक भाषा से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की है, तो अभी आप एक पुस्तक पढ़ चुके हैं और यहां पे भी ऑप्शन में पार्ट्स ऑफ एनिमल दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ एनिमल दिया हुआ है, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक बल किसे कहते हैं, आंतरिक बल बोला जाता है मांसपेशी द्वारा लगाए गए बल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जड़त्व के अध्ययन से तात्पर्य बताना है, तो किसी भी चीज का आराम व गति का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, सेंट्रीपिटल तथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपस में क्या संबंध होता है, तो यहां पर दोनों बराबर रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 42 है, हैमर थ्रो में हैमर को छोड़ते वक्त कौन सा फोर्स लगता है, तो इसमें आपका अपकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, हैमर थ्रो में हैमर घुमाते समय कौन सा बल लगता है, तो इसमें अभिकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं, तो इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। 45 है, न्यूटन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो यहां पर जो बोला जाता है त्वरण का नियम बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, ध्यान रखिएगा। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, अभी आपसे बोला जा रहा था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तीनों।
फ्लेक्शन का क्या अर्थ है? तो फ्लेक्शन का अर्थ होता है दो हड्डियों के बीच का कोण कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, एडेक्शन का क्या अर्थ है? तो एडेक्शन का अर्थ होता है शरीर का कोई अंग एनाटॉमिकल पोजीशन में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, 1 किलोग्राम वजन के बराबर की वस्तु का भार कहां पर अधिक होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग, धरती पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय बल किस प्रकार का बल है? तो गुरुत्वीय बल खींचना से रिलेट करता है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, वह कौन सी योग्यता होती है जो स्थिर एवं गतिशील अवस्था में शरीर के भागों का संतुलन बनाए रखती है? तो ये अवस्था होगी निर्धारण योग्यता। यहां पे एक मिनट, गलत हो जाएगा, निर्धारण योग्यता गलत हो जाएगा, संतुलन योग्यता राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 52 नंबर, लचीलापन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपका क्रियाशील लचीलापन होता है, अक्रियाशील लचीलापन, यानी डी ऑप्शन, ये यहां पे होना चाहिए था, ध्यान रखिएगा, ये दोनों होता है, ए बी, यानी दोनों, यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, प्रतिक्रिया योग्यता, गति की चाल, त्वरण योग्यता, प्रवचन योग्यता तथा चाल सहनशीलता किस शारीरिक स्वस्थता की क्षमता के प्रकार हैं? तो ये सहनशीलता से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, फिजिकल फिटनेस को कौन से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको हेल्थ रिलेटेड फिटनेस तथा मोटर स्किन रिलेटेड फिटनेस से रिलेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी कार्य को थकान की अवस्था में लंबे समय तक किया जाता है, तो ये मांसपेशीय सहनशीलता होता है। नेक्स्ट है 56, मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी प्रतिरोध के विपरीत कार्य किया जाता है, तो 56 होता है मांसपेशीय ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 57, हृदय तथा फेफड़ों की वह क्षमता जो किसी अभ्यास के दौरान तथा क्रिया के दौरान अपने को प्रभावशील रूप से व्यवस्थित करते हैं, तो ये होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 58 नंबर है, व्यक्ति की वह कुशलता जिसके द्वारा या किसी भी कार्य को किसी भी वातावरण में आसानी से करता है उसे क्या कहते हैं? शारीरिक स्वस्थता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कौन से तीन प्रकार में बांटा गया है? तो ये तीन प्रकार आपके हो जाएंगे, सामान्य सहनशीलता, विशिष्ट सहनशीलता और मूलभूत सहनशीलता, ए ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य की अवधि के अनुसार सहनशीलता को कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है लघु समय की सहनशीलता, दीर्घ समय की सहनशीलता और मध्य समय की सहनशीलता और गति सहनशीलता, यानी ई ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है? सहनशीलता मापी जाती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तब आपका गलत ना होने पाए, क्योंकि आप सभी लोग नियर अबाउट 8 से 9 महीने 10 महीने से तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग 1 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का कोर्स कंप्लीट है। जितना आप लोग पढ़ रखे हैं बस उसी का रिवीजन करिएगा। पेपर किसी भी लेवल का है, आप पेपर के क्वेश्चन में पहले पढ़िएगा, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़िएगा, उसी के बाद अपना आंसर अटेम्प्ट करिएगा। अगर जो 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आप लोग अन्य एग्जाम देते होंगे वहाँ पे आपको टाइमिंग कम लगती होगी, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स जिस भी पेपर में पूछा जाता उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पाता होगा, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, उसमें आपका टाइम भी बचा रहेगा और आराम से क्वेश्चन करिएगा, टेंशन फ्री आपका पेपर अच्छा जाएगा। किसी भी लेवल का पेपर आए आपको उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर टफ आएगा कट ऑफ डाउन जाएगा, अगर आसान आएगा तो वो सबके लिए आसान होगा, केवल एक स्टूडेंट के लिए आसान या कठिन नहीं होता, वो जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे
किसी भी सेंटर्स पे होंगे, सबके लिए वो पेपर उसी लेवल का होगा। तो उसके अनुसार आप लोग सॉल्व करिएगा, कट ऑफ जितना भी जाएगा पेपर के, मॉडरेट होगा तो मॉडरेट जाएगा, हाई लेवल का होगा पेपर तो उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ भी जाएगा। तो अच्छे से पेपर करिएगा, रिवीजन करिएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे से एग्जाम करिएगा, एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। यहां पे आपका राइट आंसर होगा 62 का मधुमेह का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 63 प्रकृति के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है, तो ये होता है आपका समय श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल टेंशन परीक्षण का उपयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है, तो ये होता है आपका ताकत से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 65 नंबर है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का उपयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है, तो ये सहनशीलता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, बालिस्टिक टेस्ट का प्रयोग निम्न के मापन हेतु किया जाता है, तो ये लचीलापन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड का दाहिने या बाईं ओर का झुकाव कहलाता है, ये क्या कहलाता है? स्कोलियोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 68 नंबर, क्रॉस वेबर परीक्षण निम्न हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो यह न्यूनतम मांसपेशीय क्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस विशेषज्ञ ने हॉकी का स्किल बनाया, तो ये 69 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरवंश सिंह से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है, 12 मिनट रन वॉक टेस्ट से क्या मापा जाता है, तो इससे जो मेजर किया जाता है सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ किससे मापा जाता, तो ये मापा जाता है वर्टिकल जंप से। क्वेश्चन नंबर 72, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको याद हो गए होंगे। 72 नंबर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ राउंड्स निकालने का फॉर्मूला क्या है जब टीमों की संख्या विषम हो, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 74 नंबर, यहां भी फॉर्मूला पूछा गया है, जब टीमों की संख्या क्या हो, सम हो, तो 74 एन माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 75, लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्सर बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो ये स्टीयर केस मेथड होता है, टैबलर मेथड होता है, साइक्लिक मेथड होता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना, तो 1912 से रिलेट कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, साई स्टेडियम अवस्थित, थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पे गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए था एथलेटिक्स से रिलेटेड, साई स्टेडियम अवस्थित है, तब आपका हो जाएगा गुजरात गांधीनगर। ध्यान रखिएगा यहां पे जो साई स्टेडियम की बात की जा रही है एथलेटिक्स से रिलेटेड, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी आंसर होगा, दिल्ली नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दिया गया था वहां पे बहुत से बच्चों ने दिल्ली टिक किया था। एथलेटिक्स में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त किया गया, तो यह किसके द्वारा प्राप्त किया गया, ओ एम नाम्बियार के द्वारा प्राप्त किया गया था, और 2020 के आप लोग ध्यान रखिएगा जो अवार्ड दिए गए थे, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, वो याद कर लीजिएगा, राजीव गांधी अवार्ड, वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। ऑलरेडी आप लोग को वो वीडियो प्रोवाइड किया गया, एक बार देख लीजिएगा, 10 मिनट का वीडियो है, आराम से याद हो जाएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 80 है, ओब्रायन ग्लाइड शब्दावली संबंधित है, तो ये एथलेटिक्स से रिलेट करता है। 81 नंबर है, वॉर्जिक और डाउनशिप शब्दावली संबंधित है, ये एथलेटिक्स से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया, गुरुबचन सिंह रंधावा ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का, एथलेटिक्स में प्रथम राजीव गांधी अवार्ड प्राप्त किया, तो ये किसने प्राप्त किया, ज्योतिर्मय सिकंदर ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में प्रथम ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त किया, तो ये दिगंबर महानदली से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्थलान एवं हेप्टाथलान में कितनी स्पर्धाएं होती हैं, 85। क्वेश्चन से तुरंत 70 न लगाइएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा,
डेक्थलान से 10 प्रतियोगिताएं जबकि हेप्टलान से 7 प्रतियोगिताएं रिलेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 86 नंबर है, महिलाओं की बाधा दौड़ होती है तो महिलाओं की बाधा दौड़ रिलेट कर जाती है आपका 100 मीटर एवं 400 मीटर से ऑप्शन के अनुसार। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। महिला एवं पुरुष की प्रत्येक बाधाओं की संख्या होती है तो यह आपकी 10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस का भार पुरुषों के लिए होता है तो यहां पे ग्राम में दिया हुआ है 2 kg होता है। ध्यान रखिएगा, 2000 ग्राम दिया हुआ हो चाहे तो आपको 2 kg दिया हो, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 89 नंबर है, डिस्कस का भार महिलाओं के लिए होता है तो यह कितना होता है 1000 ग्राम यानी 1 kg होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन इसके पहले के पेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 90 नंबर, डिस्कस के मध्य छोर यानी कि धातु रिम के पास की मोटाई होती है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 6 mm होता है, आप लोग जहां से भी पढ़े हैं उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर लगाइएगा। यहां पे आंसर हो जाएगा 12 mm। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, हैमर थ्रो का भार पुरुष वर्ग के लिए होता है तो ये 7.26 kg से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर थ्रो का भार महिला वर्ग के लिए होता है तो इसका आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा। वहां पे आपके टेस्ट में ए ऑप्शन दे दिया गया था, यूनिट चेंज थी 4 kg होगा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 93, जैवलिन 3 का थ्रो का दौड़ पथ होता है तो इसका जो दौड़ पथ होता है ये 30 मीटर से 36.5 मीटर होता है। 94 नंबर है, जैवलिन का भार पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए होता है तो ये 800 ग्राम एवं 600 ग्राम होता है। 95 नंबर है, जैवलिन थ्रो के एक आदर्श ट्रैक में लेन की संख्या होती है 95, ये आपका सी होता है, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का, जैवलिन थ्रो में आदर्श ट्रैक के लेन की चौड़ाई होती है तो ये 1.22 मीटर से 1.25 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से रिले रेस में बैटन पकड़ाने की तकनीक है तो 97 डाउन वर्ड पास भी होता, अप वर्ड पास भी होता, स्नैच पास भी होता, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 98, एथलेटिक्स के अंतर्गत मैनेजमेंट ऑफिशियल कितने प्रकार के होते हैं तो ये 5 types के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में पीला कार्ड प्रयोग किया जाता है तो ये चेतावनी देने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, फुटबॉल में 11 खिलाड़ियों की अनिवार्यता कब स्वीकार की गई तो इसकी अनिवार्यता कब स्वीकार की गई थी, 1870 से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है, फुटबॉल में गोलकीपर को अलग रंग की पोशाक पहनने की अनिवार्यता कब स्वीकार की गई तो ये स्वीकार किया गया 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 102, फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो डी हो जाएगा लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पे आपको ऑप्शन में 1900 और 1908 दिया होगा तब आपका कौन सा हो जाएगा तो ये आपको जो 1908 हो सकता है वहां पे 1900 ना दिया हो क्योंकि अगर पेपर आएगा तो वहां पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एक दो को छोड़ के ज्यादा नहीं दिए होंगे क्योंकि 31 अक्टूबर तक आपकी भर्ती भी पूर्ण होनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो 1908 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विंगर और वाली शब्दावली संबंधित है तो ये शब्दावली फुटबॉल से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 104 नंबर, फुटबॉल में अभी तक कितने लोगों को ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त हुआ है तो अभी तक कितने लोगों को प्राप्त हुआ, क्या 2 लोगों को प्राप्त हुआ, किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 105, फुटबॉल में अभी तक कितने लोगों को राजीव गांधी अवार्ड प्राप्त हुआ है तो इसमें भी अभी किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया तो ये क्वेश्चन आपको कई बार कराया गया है, पीके बनर्जी से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर,
फुटबॉल में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त किया गया, तो ये श्री सैयद नईमुद्दीन जी के द्वारा प्राप्त किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के मैदान का आकार क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, गलत हो सकता है, ये सी ऑप्शन रिलेट करेगा, आयताकार, गोलाकार, न टिक कर दीजिएगा तुरंत। नेक्स्ट है, फुटबॉल मैच की समयावधि होती है, तो फुटबॉल मैच की समयावधि जो टाइमिंग होती है 90 मिनट से रिलेट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, फुटबॉल में गेम शुरू किया जाता है तो सेंटर पास तुरंत ना लगाइएगा, सी ऑप्शन किक ऑफ से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 111 नंबर है, फुटबॉल के मैदान के प्रत्येक कोने पर लगे झंडे की ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए, तो ये 5 फुट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 112, वीडियो फास्ट है, बस आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो फास्ट किया गया है, बस आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले जाएंगे। इनफ्रिजमेंट हाफ वाली शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये रिलेट करता है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कुडाकू कब संबंधित? तो ये भी संबंधित है हॉकी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हॉकी का जन्मदाता देश है? तो हॉकी का जन्मदाता देश इंग्लैंड है, 115 नंबर है, भारत की प्रथम प्रतियोगिता हॉकी है, यहां पे ऑप्शन से बताइएगा। तो ये कौन सी प्रतियोगिता है? बैटन कप रिलेट करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, महिला हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो इसको 1980 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 117, पुरुष हॉकी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया? तो 1958 से संबंधित है, एशियाई खेल की बात की जा रही है। 118 नंबर है, पुरुष हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया, तो पुरुष हॉकी कब शामिल हुआ? तो ये 1908 से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं क्विज के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से, और अब आप लोग का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल है, जो लोग शुरुआत से तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइम पे सही हो रहे होंगे, बाकी लोग जब भी जब से आप लोग तैयारी शुरू किए हैं, जितना भी आप तैयार कर लिए उतना पर्याप्त है, अब ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश ना करिएगा। 119 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारतीय टीम ने पहली बार कब प्रतिभाग किया? तो ये प्रतिभाग किया 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर का, शिवाजी स्टेडियम अवस्थित है, दिल्ली तुरंत आया होगा दिमाग में, दिल्ली गलत हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट में भी आपको दिया जा चुका है, जो मई जून में कराए गए थे प्रैक्टिस सेट्स, तो वहां पे बहुत से लोगों ने दिल्ली टिक किया था 90% ने। शिवाजी स्टेडियम आपका मुंबई से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 122 नंबर, हॉकी का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो पहला अंतरराष्ट्रीय मैच 26 जनवरी 1895 को खेला गया। 123 नंबर है, हॉकी के नियम 1883 में किस क्लब द्वारा बनाए गए? तो 123 विंबलडन क्लब के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का प्रथम क्लब ब्लैक हिड रग्बी एंड हॉकी क्लब स्थापित हुआ, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहां पे आंसर हो जाएगा 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, रोल ऑन किस शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से संबंधित है, तो ये 125 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो टोटल हैं आज के इस वीडियो में 250 प्रश्न, यानी 250 प्रश्न, तो दूसरी सीरीज आपकी शुरू हो जाती है। निम्न में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? तो बताइएगा कौन सा इसमें से जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है, तो वैक्स बाथ से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 127 है, एफ्लोरोस शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपका डी ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट है, हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार होता है? तो ये हड्डी टूटने से रिलेट कर जाएगा आपका, चोट वाले भाग की हलचल बंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर है, मेडियल मेनिस्कस की चोटें इनमें सामान्य होती हैं, तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा प्रेशर मसाज यानी मालिश का प्रकार नहीं है, तो इसमें परकुशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालिश के कितने प्रकार हैं, तो इसके जो टाइप्स हैं ये आपके 4 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 132 बिना घाव का हड्डी टूटना कहलाता है, तो ये सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है। 132 नेक्स्ट क्वेश्चन 133 है हड्डी की चोट की पहचान करना है, तो ये ग्रीन स्टिक खिंचाव से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 हड्डी टूटने का शीघ्र क्या उपचार है, तो ये चोट वाले भाग की हलचल बंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 135 फ्रोस्ट बाइट चिकित्सीय समस्या कहाँ होती है, तो ये गर्म मौसम से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम है, तो 136 है टखने की अग्र पार्श्विक अस्थिबंध चोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 निम्न पदार्थों में से किससे मधुमक्खी के डंक का इलाज किया जा सकता है, तो किससे किया जा सकता है 137 नंबर। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये बुकों में अलग अलग दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे क्योंकि सर के द्वारा ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखिएगा मधुमक्खी के डंक की बात की जाएगी तब सिरका टिक न लगाइएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, जबकि बर्रे की बात की जाएगी तब आपका सिरका सही होगा। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, आता है, अगर एग्जाम में आए तो ध्यान रखिएगा। बाकी बायोलॉजी का एक पेपर आप लोग देख चुके हैं कि एक भी क्वेश्चन पुराने रिपीट नहीं हुए थे, तो इसलिए पेपर आपका अगर टफ आएगा तो भी आप लोग कर ले जाएंगे। सरल जोड़ों के चोट को राइस प्रक्रिया का उपयोग कर इलाज किया जा सकता है, यहां आर क्या है, जो राइस में आर होता है इसको क्या बोलते हैं बताइएगा। 138 राइट आंसर है रेस्ट, सी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल कूद की चोटों के पुनर्वासन में निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए संशोधित व्यायाम का प्रयोग किया जाता है। 140 है भंग के इलाज में कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है, तो भंग के इलाज में कर्षण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लेश पुटी में सूजन अथवा छोटी झिल्ली जिसमें तरल पदार्थ को जम जाता है क्या कहते हैं, तो इसमें होगा आपका बर्साइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर लाइन फ्रैक्चर को कहते हैं, तो हेयर लाइन फ्रैक्चर आपका क्या होता है, ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है खेल की चोटें इससे न्यूनतम की जा सकती है, 143 ए ऑप्शन मसाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व तो सहायक है, तो इसमें थ्रोम्बोसाइट सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 145 है वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों के कुछ हिस्से में ब्रेक आता है, तो ये आता है ग्रीन स्टिक रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैप त्वचा व म्यूकस झिल्ली कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, एब्रेशन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है, तो ये कार्य रक्त विषाणु करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार अच्छा है, स्टीम बाथ से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जाने पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ बुक्स में आपको अधिक जल का उपयोग करेंगे ये भी दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा कंबल से ढक देंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 150 नंबर का क्वेश्चन है खेलों में चोटें कैसे लगती हैं, तो खेलों में चोटें तब लगती हैं जब नियमों का पालन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए, ए ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप किस प्रकार देखेंगे कि एक बेहोश व्यक्ति सांस सामान्य रूप से ले रहा है या नहीं, 152 नंबर 10 सेकेंड से अधिक नहीं, ए ऑप्शन विकल्प से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 153 देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो गया जो अभी आपको बताया जा रहा था। बर्रे के कांटे के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है, तो यहां पे उत्तर हो जाएगा सिरका, सोडियम बाइकार्बोनेट यहां पे गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मधुमक्खी
अगर लिखा होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बर्रे के उपचार के लिए आपका सिरका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक उपचार को निम्न में से किससे संबोधित किया जाता है, तो ये फिजियोथेरेपी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल से पहले की मालिश प्रतियोगिता से डैश घंटे पहले दी जाती है, तो 155 है 1 से 3 घंटे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिश की एफ्लुरेस तकनीक है, तो ये तकनीक है सहलाना हस्त कौशल विद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 157 नंबर, चपटा पांव को कहते हैं क्या बोलते हैं, पेस प्लेनस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 है, चोट का तुरंत उपचार है, बर्फ उपचार से रिलेट करता है। नेक्स्ट, अंगुली की चोट के लिए किस प्रकार के बैंडेज का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए रोलर बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 160, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य शारीरिक दक्षता, यांत्रिक कौशल, युक्त कुशलता, डी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से 80 से 90 प्रतिशत तीव्रता किस प्रशिक्षण विधि में होती है, 161 सघन अंतराल विधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडर अप गेम सहायक है, 162 नंबर, तो ये मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 है आपकी स्क्रीन पर, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है, तो ये त्रुटि ढूंढना तथा सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक है, बताइएगा, वार्मिंग अप होगा क्या, नहीं, बिल्कुल गलत है, लिम्बरिंग डाउन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्पीड प्ले का संबंध तो फार्टलेक ट्रेनिंग से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 166 वार्मिंग अप की विधि है, तो वार्मिंग अप विधि दोनों से रिलेट कर जाएगा, एक्टिव वार्म अप एवं पेसिव वार्म अप दोनों से रिलेट करता है, यहां पर यह कट जाएगा। 167 अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का सीखना कहते हैं, कथन संबंधित है, बताइएगा कथन किससे रिलेट करेगा, गेट्स महोदय से रिलेट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध बताइएगा, तो आइसोटोनिक व्यायाम शक्ति से रिलेट करता है। क्रीडा प्रशिक्षण खिलाड़ी निर्माण करने की तैयारी का आधार है परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा मैथ्यू महोदय ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 170 नंबर, भार का प्रशिक्षण का आविष्कार किसने किया है, तो इसका आविष्कार फ्रेडरिक यान ने किया है। 171 सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों के संदर्भ में काल विभाजन चक्र की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है, तो इसमें बहुखंडीय काल विभाजक चक्र रिलेट करता है। 172 पर मूव करते हैं, आपका रिवीजन फास्ट कराया गया, कम से कम 10 दिनों से जो वीडियो मिली है आपको सभी फास्ट दी गई हैं, आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, अगर यहां से कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपके नंबर प्लस ही होंगे, माइनस नहीं होंगे, बस आपका गलत ना होने पाए एग्जाम में। 172 गामक गुणकायन निम्न में से किसका आधारभूत माना गया है, तो ये संचारी कौशल से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, शरीर गर्माना यानी वार्मिंग अप करता है, तो ये आपका 173 होता है, शरीर व मांसपेशीय तापमान को बढ़ाना से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है, तो कौन सी नहीं है, साई वैक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पीरियडाइजेशन की प्रक्रिया में कुल अवस्थाएं होती हैं, तो कुल अवस्थाएं होंगी आपकी 3, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एरोबिक प्रक्रिया है, तो ये है आपका क्रॉस कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, प्राकृतिक तौर पर खेल प्रशिक्षण में लंबे समय की योजना होती है, तो ये प्रतियोगिता केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, भार की तीव्रता होती है, तो भार घनत्व के विपरीत आनुपातिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 है, दीवार को धकेलना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपका रिलेट करता है यहां पे आइसोमेट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन से प्रकार की एक्सरसाइज की आवश्यकता है, तो लगातार व्यायाम होगा, यहां पे डी ऑप्शन लगातार व्यायाम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के कौशल के सीखने की
सर्वोत्तम विधि है। तो ये प्रदर्शन विधि से रिलेट करेगा, अनुकरण या ट्रायल एवं त्रुटि विधि ना लगाइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे आप लोग अनुकरण विधि पढ़े हैं, वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 182 प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि क्या होगी, तो ये 182 5 से 10 दिन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183 विस्फोटक शक्ति का मापन निम्न किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता खड़ी सीधी कूद से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर सर्किट ट्रेनिंग विधि किसके द्वारा तैयार की गई है, तो ये एंडरसन और मार्गन के द्वारा तैयार की गई है। 185 पर मूव कर जाते हैं। निम्न में से किस तकनीक में कार्य और पूर्व स्थित बहाल होने के निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है, तो ये मध्यांतर प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 186 है, निम्न में से कौन सा उचित कैलिस्थेनिक व्यायाम है, तो ये आपका रिलेट करेगा पुशअप करना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न गतिविधियों में से किसे एक खुला कौशल माना जाता है, तो ये माना जाता है जंगल में पहाड़ी मोटरसाइकिल की सवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 अधिक ऊंचाई पर जहां वायुमंडलीय दबाव आधा है, तो ये क्या होगा, फेफड़ों संबंधी वेंटिलेशन बढ़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल के साथ साथ अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 189 मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण विधि अपेक्षित होती है, तो इसमें प्लायोमेट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शारीरिक पुष्टि के मुख्य चार घटक हैं, तो ये हैं आपके शारीरिक संगठक, मांसपेशी और आपका एक, ये आंसर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 191 जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग इतने दिन से सॉल्व किए हैं उसी के अनुसार आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से अभी तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। वहाँ भी एक प्रैक्टिस सेट ही मिलेगा, जो आपने तैयारी की है उस तैयारी को वहाँ पे जो क्वेश्चंस होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक कर देना है। बस इतना सोच के जाइएगा, एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 191 खेलकूद प्रशिक्षण में अतिभार का संबंध उस स्थिति से है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 192 पर मूव करते हैं। पावर ऑन एक्सप्लोसिव के लिए प्रशिक्षण की विधि कहलाती है, तो ये कहलाती है प्लायोमेट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सतत प्रशिक्षण विधि की संकल्पना द्वारा प्रस्तुत की गई, तो ये डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन ऑकिन के द्वारा प्रस्तुत की गई। 194 नंबर है खेल प्रशिक्षण के एक मैक्रोसाइकिल की अवधि होती है, तो ये अवधि बताना है आपको। 194 बी ऑप्शन हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है HDL की मात्रा को बढ़ाता है। इसका आंसर बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न बुक्स में अलग अलग मिल जाएगा। तो अलग क्या ये गलत ही हो गया है, क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। बुक में आपको बी भी दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा डी उत्तर इसका सही होगा। एक मिनट, 194 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 मंथ। 193 अर्नेस्ट वॉन ऑकिन। 192 देख लेते हैं, यहाँ पे प्लायोमेट्रिक्स होगा। 191 बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 190 नंबर, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग था, तो ये आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 196
पैर बल को इससे सुधारा जा सकता है। किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? डेप्थ जंप के द्वारा सुधारा जा सकता है। परिक्रमा प्रशिक्षण यह इसके विकास का प्रभावी प्रकार है। तो ये बल तितिक्षा से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुजीवी व्यायाम इसके विकास में सहायक है। तो ये डी ऑप्शन जो तितिक्षा दिया हुआ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापस बेंच पर आ जाना में किस प्रकार के भार को दर्शाता है? तो ये किस प्रकार के भार को दर्शाता है? प्लायोमेट्रिक होता है सही उत्तर। नेक्स्ट है खेलों में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो मोटर गुणवत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201 नंबर, यहाँ पे आपका शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये अपनी शक्ति को का बेहतर प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 201 लिखा हुआ है, दो क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी खेल में अधिकारियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर क्या होगा यहाँ पे बताइएगा तुरंत। सही आंसर जो हो जाएगा आपका खेल के नियमों का सही पालन करना से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 202 है। एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? तो यहाँ पे धीमी थकावट से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203, पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? तो पेशीय खिंचाव का जो कारण होता है अत्यधिक प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्टलेक शरीर में विकसित करता है, तो ये सहनशीलता को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 205 है। थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो इसको कहते हैं शक्ति सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 206 नंबर, लचीलापन क्या है? तो लचीलापन गतिशीलता से संबंधित है। 207 नंबर है, एक कोच का गुण होना चाहिए, तो ये आत्मविश्वास से रिलेट करता है। 208 है, सिटअप का उद्देश्य है, तो ये पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर का क्वेश्चन, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण है लैक्टिक एसिड। कई बार क्वेश्चन दिया जा चुका है आपको और सही भी होगा। निम्न में से कौन सा एक पेशी प्रशिक्षण का परिणाम नहीं है? तो ये पेशी तंतुओं में वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक व्यायाम से सर्वप्रथम किसने परिचय कराया था? तो ये डी लूने से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है, तो इसके प्रशिक्षण के लिए गतिवर्धन दौड़ प्लायोमेट्रिक्स गति वाली दौड़ कौन सा होगा? कोई भी आंसर यहां पे सही नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 213 नंबर, बताइएगा क्या होगा सही उत्तर। ये आंसर आपको बुकों में दो मिलेंगे, एक तो ए मिल जाएगा, दूसरा सी मिलेगा। ये जो सी ऑप्शन माना गया था 2018 एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें दिया गया है, लेकिन आपका आंसर जो होगा 60-80% होगा ए उत्तर सही होगा, क्योंकि एलटी ग्रेड की आंसर की नहीं आई थी। ये आयोग के द्वारा एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर की नहीं आई थी, जबकि जो 60-80% है ये यूपी पीएससी प्रवक्ता लेवल का जो एग्जाम होता है वहां पे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 214 नंबर, प्रतियोगी खेलों से प्राप्त लाभ बताइएगा, आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को जानने में सहायक होते हैं, खिलाड़ियों की कमजोरी को जानने में सहायक होते हैं, खिलाड़ियों के तकनीकी कौशल के विकास में सहायक होते हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधिकालीनता के अंतर्गत कितने काल आते हैं? तो इसके अंतर्गत आपका बी ऑप्शन रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग किसको विकसित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो 216 विस्फोटक शक्ति से संबंधित है। 217 नंबर है, खेल प्रशिक्षण में समयबद्धता से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसमें से मैक्रोसाइकिल नहीं होगा, यहां पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, खिलाड़ियों में हताशा का कारण है, तो हताशा का कारण क्या है? सामान्यता महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के
अव्यवस्थित स्तर से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है? तो ये जिम्नास्टिक हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि डैश कहलाती है, तो ये मांसपेशीय अतिपुष्टि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है? तो प्रशिक्षण में स्थानांतर पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 नंबर, खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तो यह सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। 223 नंबर है, निम्न में से किस खेल घटक यानी इवेंट में अंतराल प्रशिक्षण कम से कम प्रभावित होता है? तो ये किस में कम प्रभावित होता है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। 224 नंबर है, कम प्रतिरोध कार्यभार में अधिकतम तीव्रता का प्रतिशत होना चाहिए, सही आंसर से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अवस्थानांतर अवधि डैश पर लक्षित है, तो ये आपका डी ऑप्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 226 नंबर है, निम्न में से कौन सी संकल्पना आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा शारीरिक प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 227 है, प्रारंभिक स्कूल पाठ्यक्रम में जोर देना चाहिए, तो ये मनोरंजन शिक्षा से रिलेट करता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, शारीरिक शिक्षा में समय सारणी की क्या आवश्यकता है? तो समय सारणी की क्या आवश्यकता है? समय एवं ऊर्जा का सदुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 229 नंबर, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए कौन सी सुविधा अधिक आवश्यक है? तो ये इंडोर बहुउद्देशीय हाल से रिलेट करेगा। 230 है, कुशल योजना प्रारंभ की जाती है, तो कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 231, कक्षा का प्रबंधन निर्भर करता है, बताइए ये किस पर निर्भर करेगा? तो ये सिखाने वाली क्रिया का प्रकार पर निर्भर करता है। 232 नंबर है, किसी भी विद्यालय के निम्न कार्यक्रमों में से किसे स्पार्क प्लग कहा जा सकता है? तो ये करिकुलम से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 233 है, समय सारणी को प्रभावित करने वाला कारक बताना है, तो ये विद्यार्थियों की संख्या भी है, उपकरण की उपलब्धता भी है, वातावरण, ये सभी इसमें रिलेट कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रबंधन की सर्वोत्तम विधि बताना है, तो कौन सी होती है सर्वोत्तम विधि? प्रजातांत्रिक नहीं होगा, हस्तक्षेप रहित, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हुए, बहुत से लोगों के दिमाग में बी ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो चार ऑप्शन है उसके अनुसार डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 235 नंबर है, मनोरंजन जरूरी है व्यक्तित्व विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक इंडोर जिम्नेशियम बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये हवादारी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खेल प्रबंधन में कौन सा नव प्रवर्तन का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अनुप्राणित करना, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संगठन के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो यहाँ पे प्राधिकार की अतिव्याप्ति है। नेक्स्ट 239 नंबर, खेल प्रशासन की सर्वोत्तम प्रणाली है लोकतांत्रिक, ध्यान रखिएगा। 240 नंबर, प्रबंधन में पर्यवेक्षण का ध्येय होता है, क्या ध्येय होता है? छात्रों की गतिविधियों का निरीक्षण से रिलेट करेगा। 241 नंबर का क्वेश्चन है, पाठ योजना के आवश्यक भाग के रूप में औपचारिक कार्यकलापों का प्रमुख उद्देश्य बताना है, तो गतिशीलता में वृद्धि करना होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को अत्यंत उपयुक्त तरीके से परिभाषित करते हैं, तो ये शिक्षा तत्व ज्ञान को कार्यान्वित करना से रिलेट करेगा। 243 से, निम्न में से कौन सा संगठन के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो कौन सा इसके विरुद्ध है? तो प्राधिकार की अधिव्याप्ति से रिलेट करेगा।
244 पर मूव करते हैं। प्रबंधन के बुनियादी कार्य हैं, तो प्रबंधन के बुनियादी कार्य कौन से होंगे? नियोजन और संगठन भी होगा, निर्देशन और कार्यक्षेत्र भी होगा, व्यक्तिगत प्रबंध और वित्तीय प्रबंध भी होगा। डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, डी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खेल प्रबंधन है, तो खेल प्रबंधन क्या है? एक कला और विज्ञान है। सी ऑप्शन होता है सही आंसर। नेक्स्ट है, खेल उपकरण क्रय करते समय किन बातों का विशेष महत्व है? तो ये गुणवत्ता, बजट के अनुसार एवं आदेश न्यायोचित हो। बी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 247 है, निम्न में से किसी भी प्रबंधन का मुख्य बिंदु कहते हैं, किसे कहते हैं? तो सभी में आपसी सहयोग एवं विश्वास होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248 नंबर। जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समाचार पत्र, टीवी, प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है? तो ये किसके साधन है? जनसंपर्क के साधन है। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर टोटल जो क्वेश्चंस की संख्या थी 251 थी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने 201 नंबर दो बार देखा होगा। तो 251 क्वेश्चंस आपको कम समय में प्रोवाइड किए गए हैं, इनका आप लोग क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। इससे कहीं ना कहीं अगर आपका एक भी क्वेश्चन मिल जाता तो वो चार नंबर आपकी मेरिट के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। 250 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, लघु एवं विषय केंद्रित बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस आप सबके TGT और उत्तराखंड LT ग्रेड एग्जाम के लिए। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कम समय बचा हुआ है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जितना पढ़ रखे हैं उसी का रिवीजन करिएगा। नया पढ़ने की ज्यादा आप कोशिश ना करिएगा, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज होंगे। जब कंफ्यूज होंगे तो आपको थोड़ा सा जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो होगा। तो इस टाइम पे आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिएगा, और अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो एक या दो प्रैक्टिस सेट आज एक लगा लीजिएगा, एक कल लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग एग्जाम दीजिएगा। और आंसर की जैसे ही ऑफिशियल आती है तुरंत आप लोग अपने आंसर मैच करके स्कोर देख लीजिएगा। तो नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी।